रोजगार का सुनहरा मौका। मैसेज आर के एंड कंपनी द्वारा आउटसोर्सिंग आधार पर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर व टांडा में ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट के करीब 20 पद भरे जाएंगे। इसके लिए OTA में डिप्लोमा व पैरामेडिकल काउंसलिंग हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण अनिवार्य है। साथ ही लैब टेक्नीशियन के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। लैब टेक्नीशियन के लिए DMLT का अनिवार्य है। पैरामेडिकल काउंसलिंग हिमाचल प्रदेश में आवेदनकर्ता पंजीकृत होना चाहिए। दोनों ही पदों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायोडाटा इस मेल पर भेजें। कोरोना काल के इस दौर में हिमाचल के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना काल का यह समय पर्यावरण के लिए बेहद ही सुखद रहा है। हिमाचल में हर वर्ष आगजनी की घटनाओं से अरबों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो जाती थी, लेकिन इस बार आगजनी की घटनाओं में काफी कमी आई है। वन विभाग का कहना है कि 15 अप्रैल से 15 मई तक रुक रुक कर बारिश होने से जिला में आगजनी की घटनाएं ना के बराबर थी। वन मंडल अधिकारी डॉक्टर LC वंदना ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के समय जंगलों में इंसानी गतिविधियां ना के बराबर थी, जिस कारण आगजनी की घटनाओं में 70% कमी आई है। हाँ जी, इस बार हमारा हमीरपुर डिवीजन में 13 इंसिडेंसेस हुआ है फायर का, और ये 80 हेक्टर जला हुआ है फॉरेस्ट एरिया, और इसमें नुकसान जो उस टाइम एस्टिमेट किया हुआ है वो 92,000 है। और ये मोस्टली जो ग्राउंड फायर होता है, जो फॉरेस्ट का ग्राउंड फ्लोर में जो जितना भी पाइन नीडल्स है या कोई बुशेस है, इनफ्लेमेबल मैटर जो होता है, उसकी वजह से ये आग मोस्टली जला हुआ है। फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार जो है पिछले बहुत सालों से ये बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन है, मतलब बहुत कम हुआ है। पिछले साल 70 केसेस थे, तो 70 केसेस के इसमें अगेंस्ट में इस बार 13, मतलब एक बहुत बड़ा मतलब ये है अचीवमेंट समझो इसको। या हम इस बार, आप लोग भी मालूम है कि वेदर कंडीशन जो है वो थोड़ा अच्छा रहा हुआ है, कंडीशन रहा हुआ है जब मई 15 जैसे तक, और मई 15 के बाद जून तक का जो टाइम जो है ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थे, मतलब इसमें बिल्कुल मतलब बारिश का कुछ भी नहीं होते थे, तो उस टाइम में ये 13 केसेस आया हुआ है। तो इसका जो हम रीजंस ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा डिवीज़न में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हम दो जो पाइन नीडल है हमारा, जो चलारू बोलते हैं उसको कलेक्ट करके दो एंटरप्राइजेस यूनिट्स को हमने दिया हुआ है कि कलेक्ट करके, और उसका वो लोग डाइवर्सिफाइड यूजेस कर रहे हैं कि उसका ब्रिकेट फ्यूल वुड बना रहे हैं, और इसका जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट या एसेंशियल ऑयल बनाने के लिए इनको वो लोग ने कलेक्ट किया हुआ है, मतलब हमने कलेक्ट करके इनको हैंड ओवर किया हुआ है। तो ये कार्य से भी हम लगता है कि हमारा जो फायर का जो केसेस है इसमें बहुत ज़्यादा ये कम पाया गया हुआ है। और एक और मेरे को लगता है जो फैक्टर इसमें, एक तो जो हम लॉकडाउन के टाइम पर लोग इतना बाहर नहीं निकलते थे, और जो बसेस वगैरह जो मोस्टली हमारा फायर जो है फॉरेस्ट का रोड के साथ जो है इसमें ही लगते हैं, तो ये कभी सिगरेट पी के कोई फेंक दिया या कुछ कर दिया, लोगों का इंटरवेंशन से ही मोस्टली ये होता है फायर केसेस। तो इसीलिए कि लॉकडाउन के पीरियड में लोग बाहर नहीं निकलने की वजह से, गाड़ियाँ नहीं जाने की वजह से इसमें एक और कम ऐसा भी हो सकता है, ये मेरे को लगता है। अगर आप सुजानपुर शहर के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो अब आपको दवाइयां इत्यादि लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सुजानपुर शहर के सुप्रसिद्ध दवाई विक्रेता मैसर्ज आत्मा प्रकाश कायस्था एंड सन्स नजदीक सिविल हॉस्पिटल सुजानपुर एक बेहतरीन कदम उठाते हुए शहर के न्यूनतम 300 रुपए मूल्य और शहर के बाहर 5 किलोमीटर के दायरे में 600 रुपए मूल्य की दवाइयां बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आपके घर तक पहुंचाने के कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हां, इसके लिए आपको जिस किसी भी प्रकार की दवाई की आवश्यकता हो तो आप फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के जरिए से उन दवाइयों की लिस्ट भेज सकते हैं। दवाइयां बुक करवाने के लिए इन फोन नंबरों पर संपर्क करें 9418084618889431878। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के इस काल में पिछले 1-2 दिन के अंदर काफी सारी रियायतें केंद्र सरकार ने और हिमाचल सरकार ने दी हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना महामारी से हम लोगों ने निजात पा ली है, बल्कि सरकारों के पास इसका कोई विकल्प नहीं है। तो उस विकल्प के लिए मेरी हिमाचल वासियों से यही प्रार्थना है कि जिस तरह हमने 4 महीने में पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ में कोरोना महामारी से लड़ाई करी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सब उन उपायों पर गौर करें। नंबर 1 कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, वहां पे जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा हो, बसेस में,
होटल्स में, हॉस्पिटल्स के अंदर, और दूसरा आप मास्क पहने जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उनमें से कौन सा व्यक्ति पीड़ित है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज करते रहें, छोटा हैंड सैनिटाइजर हमेशा पॉकेट में रखें, और हो सके तो ग्लव्स पहन के रखें जब आप बाहर किसी नई जगह पे जाएं या किसी अनजान आदमी से मिलें। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सब सुरक्षित रहें और हमारी सेवाएं लेते रहें। धन्यवाद।